Congratulations, everyone. Thank you so much. नमस्कार। मैं जानता हूँ आप सब काफ़ी धूप में इंतज़ार भी कर रहे थे और काफ़ी देर से बैठे भी थे, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं इस मौके पे विशाल सिंह जी और आशीष नेहरा जी दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये उन्होंने बहुत एक अच्छा कदम उठाया है, एक अच्छी सोच आप पर विशाल जी ने दिखाई है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अगर आप किसी भी युवाओं के विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मेरे ख्याल से जो इंडस वैली का यहाँ पे स्कूल है और जो ये जितना बेहतरीन और खूबसूरत ये कैंपस है, ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में सभी युवा खिलाड़ियों के लिए काम ज़रूर आएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और जो आशीष नेहरा जी ने अपने क्रिकेट करियर में जो किया है, जितना इनको नॉलेज है, जितना इनका एक अपना इनका इन्होंने खुद सेटअप बनाया, मैं बखूबी जानता हूँ कि जब देखो आप जब इंडियन टीम में खेल नहीं रहे होते या जब टीम के साथ नहीं होते, तो जो भी आप ट्रेनिंग करते हो वो सब खुद अपने आप करते हो, आपको खुद अपने नेट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, आपको खुद बॉलर्स लाने पड़ते हैं, बैटिंग करनी पड़ती है, तो उन सब कामों में आशीष नेहरा से बढ़कर बंदा मैंने देखा नहीं है क्रिकेट टीम में। तो उस हिसाब से आप निश्चिंत रहे कि जो यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो यहाँ के सिस्टम्स और प्रोटोकॉल जो यहाँ पे सेट होंगे, वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के होंगे। और मैं यही आप सबसे विनती करूँगा कि आप इस फैसिलिटीज़ का, इस जो मार्गदर्शन का जो यहाँ पे कोचेस प्रदान करेंगे, उस सब का बखूबी इस्तेमाल करें, पूरा फ़ायदा उठाएं, और ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई गेंदबाज या बल्लेबाज भारत के लिए किसी न किसी क्षेत्र में जरूर खेलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू वेरी मच रे भाई। भारत हमको जान से प्यारा है, भारत के ये सितारा है, इन्होंने यहाँ पर एकेडमी डाला है, यहाँ से बच्चों को निकालना है। वादा बजाइए जोरदार तालियां, फिर क्या बात है। जहीर भाई के लिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे स्टेज पे बोलना। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले भी अकेडमीज खोली हैं, DPS इलाहाबाद स्कूल में और इंडस वैली दिल्ली में, विशाल सिंह जी ने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये अकेडमी भी हमारी नहीं है, खाली स्कूल की नहीं, आप सब लोगों के लिए है। और भारत में बड़े छोटे छोटे शहरों से अभी बड़े सारे आपके ऊपर, आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारतीय कप्तान जो थे इतने सालों तक महेंद्र सिंह धोनी, वो भी रांची से हैं। तो पुराने ज़माने में देखा गया कि ज़्यादातर प्लेयर्स क्रिकेट जो खेले हैं भारत के लिए, वो दिल्ली से, कर्नाटका से, बम्बई से रहे हैं। पर अभी ट्रेंड चेंज हो गया है और जैसे कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे इतना टैलेंट है, आई एम श्योर कि केवल क्रिकेट में ही नहीं, डांसिंग, सिंगिंग या और भी जो स्पोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो हमसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा यहाँ के बच्चों को फैसिलिटीज़ देंगे। और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में यहाँ के बच्चे भी हमीरपुर का, बुंदेलखंड का नाम रोशन करेंगे, ये फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अच्छे अच्छे कोचेज़ दिल्ली से, बम्बई से, रणजी ट्रॉफी लेवल के भी आएंगे और हम भी आते जाते रहेंगे, और जो हमसे हो सकेगा, बन पड़ेगा, जरूर करेंगे। तो यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, केवल क्रिकेट ही नहीं, इतना अच्छा कैंपस है, जैसा मैंने पहले बोला, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, सब करिए। और यहाँ से आने वाले टाइम में बच्चे जरूर IPL हो या UP के लिए रणजी ट्रॉफी है, अंडर 16, अंडर 19 खेलेंगे और इस स्कूल का और इस एरिया का नाम बढ़ाएंगे। लेकिन आज आशीष नेहरा साहब के आने से, जहीर खान साहब के यहाँ पे आने से, और हमारे घर पे ये अकेडमी खुलने से, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम आपको भाई साहब बता नहीं सकते। जब पहली दफे मेरे पिताजी यहां से सांसद बने थे 2008 के चुनाव की बात कर रहे हैं, शायद 1400 गांव में से 1250 गांव में खुद एक एक गांव में गया हूं, और 1250 गांव पहुंचने में मेरे को 13 महीने का
समय लगा है। कुछ कुछ ऐसे गांव थे जहां पे मैं गया तो वहां के लोग कहते थे कि आजादी के बाद से यहां पे आज तक कोई आया ही नहीं। मेरी पता नहीं कितनी गाड़ियां खराब हो गई, टायर फट गए, क्योंकि वहां रोड नहीं थी, ऐसा लगता था कि पहाड़ में चल रहे हैं। 5-5 के गांव के बीच में एक एक हैंडपंप था, और हमारे गांव के गरीब किसान को अगर घर में पानी पीने के लिए भी बच्चों के लिए जरूरत पड़ती थी तो पता नहीं कितने किलोमीटर उनको दौड़ जाना पड़ता था कि एक पानी की जो प्यास मिटाने के लिए उनको रोज इतना चलना पड़ता था। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और मैं बताता रहूंगा ये बात क्योंकि मैं भी यहां का रहने वाला हूं, कि आज देश में नहीं शायद पूरे विश्व में यह इलाका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। पूरे देश की तो बात नहीं कर रहे, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। सुनील आराम से बात नहीं कर रहा। 4 साल और 5 साल के अंदर में आपको अंतर भी आप नहीं कर पाएंगे, वो पता नहीं कहां चले जाएंगे। या तो वो सुधरेंगे और हमारे बराबर होने का प्रयास करेंगे, नहीं तो भैया उनका कोई इलाज नहीं कर पाएगा। आज उन्हीं बच्चों को देख के मेरे अंदर एक प्रेरणा आई और मैंने आशीष नेहरा साहब से, मेरे भाई हैं, इनसे बात करी कि आप देश विदेश में खेलते हो, अगर यहां के बच्चों को कायदे से क्रिकेट फील्ड मिले, अच्छे से अच्छे दिल्ली बंबई और अच्छे जगह से कोचेज आके यहां के बच्चों को सिखाएं, और आप जैसे इंडिया लेवल प्लेयर्स का इनको गाइडेंस मिले, मोटिवेशन मिले, तो हमारे भी इस जिले से, मुझे श्योर नहीं, मैं 500% श्योर हूं कि हमारे यहां का भी घर का बच्चा भी एक दिन इंडिया और आईपीएल खेल सकता है। इसी उस पे यहां पे आए हुए सभी लोगों को, खास करके जो पेरेंट्स जिसने हम पे विश्वास किया है, पहले दिन से अपने बच्चों को मेरे साथ रखा है एक विश्वास के प्रति, मैं अपना आभार उनपे प्रकट करता हूं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी भैया बस शुरुआत है, आप देखते जाइए कि स्कूल कहां से कहां मैं इसको लेके जाऊंगा।